अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, टुडे माय टॉपिक इज अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशेंट। व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस? इट डील्स विद द इमोशंस ऑफ अ पर्संस, इट डील्स विद द बिहेवियर एंड रिएक्शन ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस और क्रिटिकल कंडीशंस। एंड बाय बैलेंसिंग अवर इमोशंस in a certain circumstances or difficult conditions, we can get very fruitful results. Today in industry or business, whether as technical information and technical persons are providing great opportunities, as well as the emotional intelligence and the emotional behavior, it contribute a greater effort to produce a fruitful result according to the environment, according to the institution point of view. किसी भी इदारे में जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जब आप काम करते हैं और पीपल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को आप जब इम्प्रूव करते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनस के बिहेवियर हैं, लोगों के बिहेवियर हैं, वो भी चेंज होते हैं, और जो इन्वायरमेंट है वर्क प्लेस का वो भी चेंज होता है, और जो इदारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट है वो दे सकता है. There are some great factors in emotional intelligence that we should know, and we should analysis our own emotions. We should analysis the emotions of our colleagues. We should analysis the emotions of our subordinates. कि हमें देखना चाहिए कि हमारे subordinates के, हमारे colleagues के, हमारे clients के, customer के, students के emotions क्या हैं, and how we can balance them according to our situation, and how we can control them to get the fruitful results according to the institution point of view and according to their betterment. Now come to the definition. What is emotional intelligence? Emotional intelligence or emotional quotient can be defined as the ability to identify and manage one's own emotions and perceive and respond to those of others. Okay, how a person can behave or react in a critical condition. कि किसी सीवियर कंडीशंस में एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, किसी हार्डशिप्स को वो कैसे फेस करता है, कैसे डील करता है, वेदर ही लूज हिज टेम्पर, क्या वो अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है, या उसको बड़े कूल माइंडेड होकर उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर और उसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो बढ़ता है. ठीक. सेकेंड डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वन ओन्स एंड अदर फीलिंग एंड इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वन्स थिंकिंग एंड एक्शंस. बेसिकली इस इमोशनल इंटेलिजेंस का पर्पस ये है कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, कैसे अपने बैलेंसिंग पावर को, थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करते हुए, पॉजिटिव काउंसलिंग को यूज़ करते हुए आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और उससे कैसे अपने एक इन्वायरमेंट को चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के, और कैसे एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो अचीव करना है. देयर आर फाइव मेजर फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. A person should know his strength and weakness. हर इंसान में उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ भी हैं और उसकी वीकनेस भी. इसी तरह जिस इन्वायरमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे जितने भी पर्सन हैं उनके कुछ वीक एरियाज हैं कि किसी बात पे वो हाइपर हो जाते हैं, और उनके कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, उनके कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी हैं, और अगर हम उन पॉजिटिव एटीट्यूड्स के ऊपर, उनके पॉजिटिव उसके ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टीज एबिलिटीज़ के ऊपर हम अगर उनको उस पर फोकस करें, तो हम उससे बहुत बेहतर और फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू अवर इंस्टीट्यूशन, अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्गेनाइजेशन हम वो ले सकते हैं. तो अ पर्सन शुड नो हिज स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, कि वो कब वो हाइपर हो जाता है, किस बात पे वो टेम्परामेंट लूज कर देता है, और कौन सी ऐसी बात है जो, कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिस पर उसको बैलेंस किया जा सकता है. सेकेंड इज सेल्फ मैनेजमेंट. It deals managing distressing emotions so that they don't impact your functionality. के जब hardships आती हैं, जब मुश्किलात आती हैं, या ऐसे जब tensions create होती हैं किसी भी person के लिए, किसी भी specific environment में, तो how he behave in such environments, तो उस वक्त अपने आप को manage कैसे करना है, उस tension से, उस crisis से कैसे बाहर आना है. तो main thing is के आप you have to focus on the solution of the crisis rather than प्रॉब्लम के बजाय, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने के, उसको राय का फाड़ न दे जाए, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि इसके कौन सी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना चाहिए. थर्ड थिंग इज द मोटिवेशन.
मोटिवेशन मीन कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी तरह के हालात में एक पर्सन को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना चाहिए और उसको अपने जो टारगेट एरिया है और अपने जो गोल्स एरिया है उसको किसी सूरत उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टीज जो हैं वो आती हैं और ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो इंसान को मजबूत बनाती हैं, उसको इनर कॉन्फिडेंस देती हैं। तो मोटिवेशन मीन के हाउ टू गेन पॉजिटिव मोटिवेशंस थ्रू आउट दी सर्कमस्टांसिस, और इसमें बहुत चीज़ें बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं, आपकी कंपनी बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं, जो आपको जो काउंसलिंग करने वाले लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, इवन आपके जो सीनियर्स हैं अगर वो मेंटोरिंग कर रहे हैं, इवन आपके बॉस हैं या प्रिंसिपल हैं अगर वो आपकी अच्छी काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वो जो क्राइसिस का जो एक ड्यूरेशन है वो बहुत आप पीसफुली उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। नंबर फोर, एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स नोइंग व्हाट अदर्स आर फीलिंग, कि आप किसी भी दायरे में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप ये देखें कि जो दूसरे जो ऑर्डिनेट्स जो सब ऑर्डिनेट्स आपके साथ काम कर रहे हैं अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचना कि अगर मुझसे ये मिस्टेक होती तो उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी, ठीक है। और किसी पर्सन के बारे में जानना कि वो किस किस्म के बैकग्राउंड से आ रहा है, और यानी अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचना कि अगर ये मिस्टेक उससे हो जाती या तो उसमें आपका क्या अमल था या उस वो बंदा क्या सोच रहा है। तो एम्पैथी मीन्स कि किसी की प्रॉब्लम्स को, किसी के टेंशंस को फील करना, इसका पर्पस सिर्फ ये कि आप उस एम्प्लॉय को, उस पर्सन को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को उसके आप ऐसे पॉजिटिव काउंसलिंग कर सके कि वो दोबारा आपके साथ अटैच हो सके और आपके दरमियान जो एक बैरियर जो आ रहा है वो ख़त्म हो सके और जो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फर्दर इम्प्रूव हो सके। नंबर फिफ्थ, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स टू यूज ऑल दिस ट्रेट फॉर प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग्स। अब सोशल स्किल्स इमरादी के एक पर्सन जितना सोशल होगा, जितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अमॉन्ग दी सोसाइटी, अमॉन्ग दी टीम उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना उसका जो बैरियर है वो अमॉन्ग दी टीम्स और जो एक बैरियर कम होगा, जो डिस्टेंस कम होगा उसकी टीम के साथ, उतना वो एक्टिव होगा, उतनी उसकी टीम फास्ट लर्न करेगी, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो सोशल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बॉस ऐसे भी कंपनी के बॉस बॉस होते हैं कि वो उनके इतना उनका रूड एटीट्यूड होता है कि कोई उनके ऑफिस में इवन जाके अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता, तो जिसका रिजल्ट क्या रहता है कि एक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एज अ ह्यूज गैप बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉयर। बॉस एम्प्लॉयर के दरमियान ह्यूज गैप होता है और वो क्या कहता है, वो नफरत क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और एम्प्लॉय जो है वो उसको अपनी बात करने का या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का या अपनी बात करने का उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो एज अ रिजल्ट कंपनी जो है वो सफ़र करती है। सो सोशल स्किल लीडर्स में, बॉसेस में होनी चाहिए। इसी तरह एक पर्सन किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी प्लेस पे काम कर रहा है तो उसके अंदर सोशल स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी बात किसी दूसरे से कन्वे कर सके, और सम टाइम क्रिटिकल कंडीशन पे जब आप अपनी बात किसी अपने किसी कोलीग से, किसी क्लोज फ्रेंड से कर होते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर होते हैं बल्कि आपका कैथारसिस भी हो रहा होता है और आप कई दफ़ा अपने प्रॉब्लम शेयर करके आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन देयर आर फाइव स्किल्स वी नीड टू इम्प्रूव टू इन्हांस द इमोशनल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव द इमोशनल इंटेलिजेंस। ये फाइव वो स्किल्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें, जिनके ऊपर इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अ पर्सन हु इज अ बॉस और एम्प्लॉयर और मैनेजर किसी भी लेवल पे काम करें, अगर वो इन फाइव स्किल्स के ऊपर अगर वो काम करता है तो वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव करके अपने इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूटफुल बना सकता है और एक बहुत प्लीजेंट इन्वायरमेंट इदारे में क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर कोलैबोरेटिव, सेल्फ मोटिवेटेड एंड ईजी टू गेट अलॉन्ग विद गुड एंड एट बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कोलीग्स एंड क्लाइंट्स। जो एम्प्लॉय जिनकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उनका वर्किंग रिलेशनशिप्स अपने स्टाफ के साथ, अपने कस्टमर के साथ इतना पॉजिटिव होता है कि वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। नो वी विल डिस्कस वन बाय वन ब्रीफली।